जय गुरु। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिया गया नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए फॉर लेटेस्ट अपलोड। जय गुरु। चलिए इष्टवृत्ति मंत्र जो कि हम प्रत्येक दिन प्रातः सर्व कर्मारंभे श्रद्धापूर्वक इष्टवृत्ति का अर्घ्य निवेदन करते हैं, वही मंत्र संस्कृत में है, ऐसे है। जीवनं करुणा सिंधो जगत सत्वं जगत पते भवतः कृपया लब्धं जीवनं सफलं मम प्रागेव सर्वकार्ये व्यस्त भोगतृप्तये इष्टवृत्ति कृता स्माभिः कृपया गृहेतं प्रभो। उड़िया में जीव जगत जीवन कारण करुणामय प्रभु तुम्हारी दया रे लभिचि जन्म पाई मुहि सबु आजिए प्रभाते कर्मारंभे तुम्हारी भोगर लगी इष्टवृत्तिर अर्घ्य देउचि श्रीचरणे कृपा मागी। ये निवेदित अर्घ्य प्रत्येक 30 दिन में सदक्षिणा और संगठनी पहले 12 पैसे के साथ इष्ट के पास स्वास्थ्य या सत्संग उपजना केंद्र में जमा करते हैं। उसके साथ साथ 2 जन इष्ट भ्राता का भोजन और पारिपार्श्विक का सेवा के लिए कुछ अर्थ संरक्षण करते थे। यही निवेदित अर्घ्य प्रति 30 दिन रे सदक्षिणा और संगठनी जहाँ पुराणा 12 पैसा सहित इष्टंक निकट को तंकर निर्देश मते स्वास्थ्य रे किंबा स्वयं डाक जोगे किंबा सत्संग उपजोजना केन्द्र रे जमा करिया सह 2 जन इष्ट भ्राता निज पक्षर 2टी भोज्य प्रदान पूर्वक पारिपार्श्विक सेवा पाई किछि अर्थ संरक्षण करिवे। जदि इष्टवृत्ति व्रत भंगरे आपण कौन करिवे अंततः दिने हविष्यासी होई संपूर्ण अनिवेदित अर्घ्य अथवा अपारग पक्षे यथासंभव निवेदन करी पुनराय नियमित भावे व्रत पालन करिया को हेब। इष्टवृत्तिर निवेदित अर्घ्य अन्य कार्य व्यय कले बा हजाई देले नष्ट किंबा अपहृत हेले अनुतापर सहित ख्यापन सह भिक्षा करी नष्ट बा अपहृत अर्घ्य संग्रह करी परदिन हविष्यान्न ग्रहण करी तत्पर दिन एही संग्रहित अर्थ मंत्र पाठ करी निवेदनतार रखिबा को हेबो। इष्टवृत्ति का निवेदित अर्घ्य आप अन्य कार्य में व्यय करना बा खो जाना नष्ट बा अपहृत हो जाने से आपको अनुताप के साथ ख्यापन सह भिक्षा करके नष्ट बा अपहृत अर्घ्य संग्रह करके उसके अगले दिन आपको हविष्यान्न ग्रहण करके फिर उसके अगले दिन से आपको संग्रहित अर्थ मंत्र पाठ करके निवेदनतार रखना होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। बंदे पुरुषो तमाम।